ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू कार मोटर व्लॉगिंग वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं, आज का दिन क्या आज है, आज कितनी डेट है भाई, आज 15 मई है और संडे का दिन है और 10:34 हो गए हैं। तो अभी मैं निकलने लगा हूँ, तो अभी बस देखते हैं आज क्या मिलता है, तो जुड़ जाओ हमारे साथ। तो यहाँ से हमारी जर्नी हो जाती है स्टार्ट। तो गाड़ी में पेट्रोल भी कम है, मतलब है नहीं। तो बेसिकली इस वक्त मैं ना कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू चेक कि मेरी जो ये कार है ये मेरे को एवरेज आखिर दे कितनी दी है। पीछे से अपाचे का अपाचे आ रहा है, पुराना मॉडल, ठीक है ना। मुझे ये चेक करना है कि ये मेरी जो गाड़ी है मुझे एवरेज दे कितनी दी है, मतलब इसलिए मैं इसको अभी फ्यूल अप नहीं करवा रहा, नहीं तो मैं पूरा ही फुल्ली टैंक रखता था हमेशा। भाई ब्रेक मार लो यार, जल्दबाजी का कोई फायदा ही नहीं है, जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। दो बंकर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये जो बोलता रहता ना आर्मी इलाका, ये देखो ये सारा आर्मी इलाका है सारा। तो मेरा घर इधर अंदर ही है इसी आर्मी इलाके के। तो पहले क्या होता था कि ये जो आर्मी का एक गेट इस वक्त बाहर आ चुका है, ये गेट अंदर होता था, मतलब जहाँ पे मेरा घर है वहाँ अंदर से रोड से जाता था। पर वो रोड ना कंजस्टेड है, वहाँ पे आर्मी के ट्रक्स नहीं आ पाते, मुड़ नहीं पाते। अब वो तो कंजस्टेड हो गए क्योंकि पहले घर नहीं बने हुए थे, अब घर बन गए हैं, तो अब ज़्यादा कंजस्टेड हो गया। तो इसलिए अब क्या हो गया कि आर्मी वालों ने बाहर से ही निकाल दिया उसका रूट, अब एंट्रेंस का। तो अब जितने भी आर्मी के ट्रक्स होते हैं बड़े बड़े, वो सारे इधर से जाते हैं, मतलब सारे इधर से ही जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि ये आर्मी के क्वार्टर्स हैं, और होता क्या है यहाँ पे जो आर्मी की यूनिट होती है ना वो पूरी, जैसे आपको पता ही होगा कि आर्मी की जो यूनिट होती है वो पूरी मूव करती है ना। एक रेजिमेंट आएगी फिर उसके बाद में, मतलब एक साल रहेगी या दो साल रहेगी, एक कौन से उसमें अभी, तो दो साल रहेगी या तीन साल रहेगी, रहने के बाद ये करना चाह रहा, तो वो फिर मूवमेंट होती है उनकी। जैसे अभी मतलब हर एक रेजिमेंट को, मतलब जिंदगी जैसे एक होता ना कि आपको कुछ पता नहीं इस चीज़ का पता है कि नहीं पता, बट हर एक रेजिमेंट को उनकी पूरी जितनी भी उनकी मतलब जॉब होती है ना, पूरी जॉब में हर रेजिमेंट एक बार जैसे साइचिन ग्लेशियर हो गया, वहाँ पर पोस्टिंग आनी ही आनी है। कब आएगी ये तुम्हें नहीं पता, बट आनी ही आनी है, समझ रहे हो ना। मतलब जो टफेस्ट इलाके होते हैं ना हर रेजिमेंट की, वहाँ पे एक बार पोस्टिंग जरूर आती है, वो आनी ही आनी है। तो अब यही है कि अभी इस वक्त ये अभी यहाँ पर जिस अभी ये जो हमारा ये इलाका है ये ज़रा ये बॉर्डर के पास में ज़रूर है, बट बॉर्डर के मतलब शांत है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि हाई अलर्ट या समथिंग टाइप लाइक दैट, वो होता ना कि वाल देखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। बट फिर भी अटैक होते रहते हैं कभी कभी, मतलब कोई 10 साल में एक बार या एक, मतलब 10 साल में कोई एक दो बार हो ही जाता है। अभी जैसे दो बार हो चुका है, नहीं तीन बार हो गया अभी, मतलब पिछले अगर 10 सालों का रिकॉर्ड देखें तो 3 बार अटैक हो गए हैं हमारे यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक है। तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, होने हैं तो होने ही हैं, कौन रोक सकता है। अब मुझे पता नहीं आ रही है मेरी जो गाड़ी है मुझे कितनी एवरेज दे रही है यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में एवरेज बहुत ज़्यादा चाहिए। क्योंकि जिस तरह से मेरी इस वक्त ड्राइविंग चल रही है ना, मतलब जिस तरह से इस वक्त मेरी गोइंग चल रही है, उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ, इफ़ आई स्पीक अकॉर्डिंग टू डैट, चलो भाई निकाल लो, महिंद्रा थार बहुत मस्त गाड़ी है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त, क्या कितना मोटा टायर है टायर, मतलब बल्की टाइप, जैसे हल्क टाइप गाड़ी नहीं होती, हल्क टाइप बिल्कुल वैसी है ये महिंद्रा, ये जो थार है मतलब इसकी लुक्स बिल्कुल हल्क टाइप, लौंडे ने ब्लैक वो करवा रखी है, शीशों को ब्लैक कर रखा है लौंडे ने। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर अलाउड है ये चीज़ कि नहीं, बट अगर कायदे से देखा जाए तो ये गलत है, ऐसे तुम नहीं करवा सकते। ओह
तो ऑल राइट गाइज, अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लिप में। तो हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं ना यार एक मूवी टाइप क्रिएट करने की कोशिश करूंगा अब इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो बड़ी हो, पर इसके अंदर आपको आज की सारी जर्नी मिलेगी मेरी, समझ रहे हो। तो अभी आई होप आपको सब समझो। तो अब दूसरी क्लिप में मिलते हैं आपको आपसे। ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू आर कार मोटो व्लॉगिंग वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मतलब आपको आपने देखा ही होगा पीछे कि मैं निकला हुआ हूँ। तो अभी देखते हैं कि ओए खड्डा आ गया, अभी हमको क्या मिलता है भाई रोड के ऊपर। वैसे अगर आपको बताऊँ तो हमारी ये जो गाड़ी है ना, इसको एक साल तो चलो हो ही गया, पर अभी ये सिर्फ मतलब 6,800 किलोमीटर चली है अपनी ये जो गाड़ी है, और एक साल में पिछले, और अब पुरानी होना स्टार्ट हो गई है। I can feel this thing कि जो हमारी गाड़ी है वो पुरानी होना स्टार्ट हो गई है। ओके, यहाँ पे भाई टफ ही रहता काम है ना। बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक वाले खड्डे, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले खड्डे। ओ भाई साहब, बच्चे क्या हो गया भाई, भाई मेरे से तेरे को नाराजगी है बच्चे कोई, है ना गाइस। बच्चा इस साइड देख भी नहीं रहा और सीधे रोड क्रॉस करने के उसमें। अब जैसे आपको ये छोटा बच्चा दिख रहा है, ये जो रेड टी शर्ट वाला, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। ये मेरे साथ ही हुआ था, ये बहुत ही अहम वाक्य है, बहुत ही ज़्यादा अहम। तो हुआ कुछ इस तरह से था कि मैं गाड़ी चला रहा था, मतलब गाँव में जा रहा था अपने पेरेंट्स को एक फंक्शन पे छोड़ने के लिए। तो वैसे ही एक बच्चा जैसे होता है ना, गांव में क्या होता है कि गांव में ना जो आंटियां होती हैं, मतलब जो भी है, वो अपने बच्चों को ना रोड पे छोड़ देती हैं, क्योंकि गांव में काम ऐसे चलता। तो वो बॉल के साथ खेल रहा था, ठीक है, और जस्ट मोड़ पे ही खेल रहा था। तो मैंने ऐसे गाड़ी मोड़ी, उसकी बॉल आगे को गई, वो मेरी कार के आगे आ गया। और भाई उस दिन जो मैंने क्या ब्रेक मारी थी ना, मजाक नहीं, उस दिन मुझे इसकी ब्रेक्स का भी पता लग गया था कि इसकी ब्रेक्स कैसी हैं, और उस बच्चे को क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने ब्रेक मारी, मतलब अब ऑब्वियस है मोड़ है, तो अब ये बात तो 100% है कि मेरी कार इतनी स्पीड में थी ही नहीं, है ना। बट फिर भी वो अचानक से आगे भागता हुआ आया, जैसे मतलब होता ना कि अचानक से मेरी मतलब कार के आगे भागता हुआ आया। और भाई साहब मजाक नहीं, मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, जब कोई चीज़ अचानक हो जाती है, जब कोई वाकया है, कोई हैपनिंग्स अचानक हो जाती हैं, तो आप कांप जाते हो। उस दिन लिटरली मैं ऐसे बैठा बैठा कांप गया, मैं क्या हो गया भाई ये, मतलब सच में। और अब छोटा सा बच्चा आगे दिख भी नहीं रहा, नीचे से बॉल उठा रहा, फिर बॉल उठा के साइड हट रहा, मैं वाह भाई तेरे, मैं ऐसे कांप गया, मेरे को ऐसे लगा कि हिट कर गई कार उसको भाई। मैं तो क्या ही, ऊपर से गाँव, सोच सकते हो गांव में ऐसी चीज होनी, मतलब कहने का यह है कि तुम्हारी हड्डियां पेंचर सब जो भी है ना तोड़ फोड़ कर देना उन्होंने लोगों ने, मतलब अगर तुम सही भी हो। ये दिस इज द थिंग दैट हैपेंस। तो बस यही चीज थी। ओ तेरी भाई, एक तो खड्डे बड़े खतरनाक है यहाँ पे, पता है बहुत ज्यादा, मतलब आला डेंजर क्या कह सकते हो आप, बहुत ही ज्यादा खतरनाक खड्डे हैं भाई यहाँ पे। अभी जो लड़का गया ना बाइक पे, मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर के सामने एक भैया रहते हैं, वो थे भैया, लड़की भी आ रहे हैं। यार मेरी फेवरेट बाइक है यार ये बुलेट, मजाक नहीं यार, इस बाइक का ना कोई वो नहीं है, मतलब बुलेट बाइक इज फॉर जेंटलमैन, मतलब ऐसे ऐसे मैं जैसे कह रहा हूँ, आप क्या सोचते हो वो तो आपके ऊपर है। और मतलब बुलेट जैसे होते हैं ना, बुलेट इज़ फॉर जैसे कोई मतलब लगा लो कि 25-26, और फिर उसके बाद आती है ये अपनी क्लासिक, क्लासिक इज़ फॉर मैन, समझ रहे हो।
यहाँ पे मुझे मौका तो मिल जाना निकलने का। निकालू यार मेरा, रहने दे, नहीं निकालनी गाइस, नहीं निकालनी, क्योंकि जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे पास जगह थी, दो मेरे पास जगह थी, बट मुझे ये भी तो देखना ना कि मेरे जो गाड़ी है उसके टायर की डिस्प्लेसमेंट क्या है, किस हिसाब से चलेगी। वहाँ पर इतने ऐसे खड्डे थे कि अगर मैंने स्पीड में वहाँ से भी निकाल ली होती तो मैंने निकाल लेनी थी। पर फिर वही बात हो जाती है कि आपका आपकी गाड़ी कितनी पसंद है, आपको खड़कानी है अपनी कार कि क्या करनी। तो अभी मुझे थोड़ी देर में मिल जाना मौका, मुझे पता है तो निकाल लेंगे ना। तभी देखो इसने मुझे अभी दे दिया ना रूट। अच्छा इधर इधर इसने मोड़नी है। तो मिल गया रूट। तो अब यही अब आप इसी चीज को फिर से सोचो, अगर अब मैंने वहां से निकाल ली होती कार अपनी, खड़का भी दी होती मैंने, मतलब कुछ ना कुछ तो ही जाना था गड़बड़, तो क्या फायदा। ट्रैक्टर तो निकल गया ना अपने आगे से, तो इंतजार कर लो थोड़ा सा, फ्री अब रोड आगे अपनी। अरे भाई साहब आपको पता है आजकल ना मुझे कंपनी वाले बड़े याद कर रहे हैं। क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि मैं उनकी सिमें रिचार्ज नहीं ना करवा रहा बेचारे। अब जैसे आपको पता ही होगा, मतलब आपने सुना ही होगा ये चीज़, मतलब कि क्या हुआ अभी कि जो जियो है उसने पिछले 2 सालों में मतलब काफ़ी अपने सब्सक्राइबर्स खो दिए हैं जियो ने। मतलब ऐसे रिपोर्ट आई है, मैंने रिपोर्ट देखी है उसके ऊपर कोई अभी पीछे जो अभी करंट नंबर जो उन्होंने पीछे इशू किया है वो करा 93.6 लाख समथिंग सब्सक्राइबर्स जो हैं वो खो दिए हैं। अब इसके पीछे का जो मेरे को रीज़न लगता है ना वो पता क्या है, जो मेरे को रीज़न लगता है ऐसे होने का, क्योंकि जो शायद वो वोडाफोन और आइडिया के जो प्लान्स हैं जो मैंने देखे हैं, अब देखो अभी मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, ठीक है आप जज मत करना अगर आप देखो ये वीडियो, तो जो उसके मैंने पीछे के भी प्लान देखे थे जो मुझे याद आ रहे हैं, मतलब बहुत ही मज़े के प्लान्स थे भाई, बहुत ही मज़े के। मतलब जैसे ऐसे नहीं होता कि एक कंपनी अपने आप को लुटवा रही है क्या आप आओ और हमें लूट लो, वो वाला सीन था। पीछे से बात कर रहा हूँ मैं, अभी की नहीं बात कर रहा। बाकी सीन यही है कि लोग यही प्रेफर करते हैं कि उनको सिग्नल हर जगह पर आए, ठीक है ना, हर जगह पर उनको सिग्नल मिले तो लोग यही प्रेफर करते हैं। तो अब ये जो सिग्नल लोगों को मिलने होते हैं या फिर चाहिए लोगों को, तो अब वो कौन सी कंपनी है जिसके जिस सिम के सिग्नल सब जगह आते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट सब जगह आएंगे, तो वो होते हैं ये अपना एयरटेल हो गया, मतलब जियो हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कुछ ऐसे होते हैं सिग्नल्स जो हमें मतलब मिलते ही मिलते हैं, लेकिन अब जो ये जो वोडाफोन और आइडिया कभी कभी इसके सिग्नल्स भी वहाँ पे आ जाते हैं पहाड़ों पर। तो मोस्ट प्रोबेबली एयरटेल जो है ये काफ़ी वो चलती है मेरी, मैं भी एयरटेल ही चलाता हूँ फिलहाल, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो मेरे पास जियो की सिम्स है ना, आई एम थिंकिंग मैं अभी करवाऊँगा तो नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं वोडाफोन आइडिया में करूँ और फिर उनको उस कंपनी को भी मैं ज़रा जो प्लान्स हैं वो चेक किए जाएँ, है ना। तो ऐसा कुछ अपना सीन चल रहा है यार। ये जो भी बंदा जा रहा ना, इसने ना क्या बोलो, इसने दो बार गलत चीज़ करी है, दो बार। पहली बार मेरी गाड़ी के आगे आ रहा है वहाँ से, अब इस बार इसने गलत ओवरटेक करा है, मतलब क्या ही बोलूँ। और फिर बात पता क्या होती है, जब टच हो जाती है ना गाड़ी, मतलब ऑब्वियस है आप सब रिलेट कर सकते हो, जब गाड़ी टच हो जाएगी ना फिर बोलना है कि भाई तुम्हारी गलती। भाई हमारी कैसे गलती, ठीक है ना, समझ लो ना हमारी कैसे गलती भाई। तो इस साइड से क्यों ओवरटेक कर रहा है, पहली बात तो ये मुझे ये बता, जब मैं गाड़ी को ऐसे लेके जा रहा हूँ इस साइड से ओवरटेक कर रहा है तो हमारी कैसे गलती हुई इसमें। तो क्या ही बोल सकते हैं भाई, अब लोगों का क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ना यार कभी कभी मतलब उसमें आ जाता हूँ, क्या कहते हैं, थोड़ा सा चौंक जाता हूँ इस गाड़ी की इस मिट्टी से, समझ रहे, पता नहीं मतलब क्या ही आपको बताऊं यार, पता नहीं क्या क्या ये करता रहता है। एक होता ना कि जो मिट्टी होता है, मतलब अभी मुझे थोड़ी अब मुझे दिखा रहा था कि आपका जो एवरेज है उसकी क्या बोलते हैं गाड़ी की जो एवरेज दिखा रहा था मुझे,
ओ इसने एवरेज नहीं हो रेंज, पहले मुझे 42 दिखा रहा था, अब मुझे दिखा रहा है 52, 10 किलोमीटर बढ़ गई, क्या बात है भाई। तो चलो अब आप यहाँ पर देखो कि कैसे यहाँ पे पावर और टॉर्क आ रहा है इंजन का। लेकिन ये मिट्टी है ना थोड़ा गलत है, ये स्पीड के अकॉर्डिंग गियर बताता है। इस वक्त गियर मेरा सेकंड पे हूँ मैं और ये मुझे फर्स्ट दिखा रहा है, जैसे आप देख सकते हो, और अब दिखा रहा है कि गियर में है ही नहीं गाड़ी, क्या बात है क्या। ओहो भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है न्यूज़पेपर। तो आई होप आपने, आप जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आज मैं कुछ नया करने में मतलब करना जा रहा हूँ, समथिंग न्यू, देखते हैं क्या फर्क, मतलब कैसे आपको पसंद आती है कि नहीं आती वीडियो, समथिंग न्यू टाइप थिंग हम करने जा रहे हैं। अरे वाह क्या बात है भाई, पापड़।